हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ काजल। मैं हूँ सागर। और आज हम रिएक्शन करने वाले हैं अल्लामा अहमद नक्शबंदी जी का बयान है, नौजवानों की इस्लाह। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और वो हर वक्त इतने अच्छे बयान देते हैं और नौजवानों को तो ऐसी सलाह देते हैं कि जिससे हंसी भी आती है और सीख भी बहुत अच्छी मिलती है। और मुझे उनके बयान बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि वो मतलब ऐसे बयान देते हैं जिससे ज़िंदगी सुधर जाए। क्योंकि हंसी हंसी में जो बात कही जाती है वो मतलब हमें लाइफ टाइम तक याद रहती है। और इनकी ऐसी बहुत ऐसी बातें हैं जो हमने दोनों ने बहुत याद रखी है, जैसे कि मियाँ बीवी के झगड़े हो या कुछ भी हो, हमने याद रखी है। और मैंने तो ये पर्सनली बातें बहुत याद रखी है कि बीवी को हस्बैंड ने कैसे केयर करना चाहिए। तो मैंने ये सारी बातें उनकी बहुत अच्छे से याद रखी है। छोड़ो मेरे भाई, ये जुआ खेलना छोड़ो। मुसलमान, तुम तामीर उम्मत के लिए पैदा हुए हो। तुम उम्मत के रहनुमा, सारी कौमों के लीडर बन के पैदा हुए हो। तुम सारी इंसानियत को अच्छाई का दर्स देने वाले बनकर पैदा हुए हो। तुम अखलाक का पैकर बन के पैदा हुए हो। तुम आला किरदार के मालिक बन के पैदा हुए हो। तुम हुस्न खूबियों के सरदार बन के पैदा हुए हो। ये बुराई का रास्ता छोड़ो मुसलमानों। अगर तुम नहीं छोड़ोगे तो पीस दिए जाओगे, तुम्हें कोई बचाने वाला भी नहीं होगा। पीस दिए जाओगे, पीस दिए जाओगे। अगर इन हालात में कोई हमारी मदद कर सकता है, खुदा की कसम वो अल्लाह की जात कर सकती है, मदीने वाले मुस्तफा का सदका कर सकता है। बस शर्त क्या है, अच्छे तो बन जाओ, नबी के गुलाम बनो। क्या उम्र है जी, 17 साल की उम्र में ड्रग्स कर रहे हैं, नौज बिल्ला। 17 साल की उम्र में ड्रग्स कर रहे हैं, ड्रग्स। सर की आंखों से देखा साहब, मैं बच्चों कुछ पाउडर ले रहे हैं, हाथों में डाल रहे हैं, सूंघ रहे हैं, नौज बिल्ला। कपड़ा पकड़ रहे हैं, उसके अंदर कुछ थिन्नर उन्नर छिनक रहे हैं, उसको सूंघ लेते बैठ रहे हैं, अस्तग़फ़िरुल्लाह। इसलिए पैदा हुए आप 14 साल की उम्र में, अय्याशी का मरकज बना के बैठे हुए अपनी घर को। 17 साल की उम्र में रेप केसों में नाम लिखा जा रहा है मुसलमान बच्चों का। 18 साल की उम्र में जिना की तमाम ख्वाहिशात की तकमील कर रहे हैं, नौज़ बिल्ला। मां बाप के साथ बदसुलूकी कर रहे हैं, बहनों के साथ बदतरीन सुलूक कर रहे हैं। अगर यही करना था तो फिर पैदा कई कुए मेरे भाई। क्या ये गुनाह करने वालों की दुनिया के अंदर कमी है? क्या पबों पे नाचने वालों की दुनिया के अंदर कमी है? क्या बारों की जीनत बनने वालों की दुनिया के अंदर कमी है? क्या अय्याशी के डिस्को सजाने वालों की दुनिया के अंदर कमी है जो तुम पैदा हुए हो? याद रखो मुसलमानों, आज तुम्हारा भाई तुमसे गुजारिश कर रहा है अल्लाह और उसके रसूल का वास्ता। नौजवानों, अल्लाह की कसम खा के कह रहा हूं, कोई नाचने वाला तुम्हारा आइडियल नहीं हो सकता। औरतों के साथ नंगे नाच नाचने वाला तुम्हारा आइडियल, तुम्हारा रहनुमा, तुम्हारा जो है रहबर नहीं हो सकता। शराबी तुम्हारा आइडियल नहीं हो सकता। जानी तुम्हारा आइडियल नहीं हो सकता। रेपिस्ट तुम्हारा आइडियल नहीं हो सकता। मर्डर करने वाला तुम्हारा आइडियल नहीं हो सकता। हराम की जिंदगी गुजारने वाला तुम्हारा आइडियल नहीं हो सकता। जुआ खेलने वाला तुम्हारा आइडियल नहीं हो सकता। खुदा की कसम मुसलमानों, ए कलमा पढ़ने वालों, अगर कोई तुम्हारा आइडियल है तो उस जात का नाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सरकार को अपना आइडियल बनाओ, रसूल अल्लाह को अपना आइडियल बनाओ, रसूल अल्लाह के अखलाक लो, रसूल अल्लाह की जिंदगी से उसवाए हसना को लो, रसूल अल्लाह की शब्बेदारी को लो, रसूल अल्लाह के इबादात और तखवे को लो, रसूल अल्लाह के सौम सलात को लो, रसूल अल्लाह के मुजाहिदात और रियाजात को लो, रसूल अल्लाह की इबादात और तखवाओं को लो, रसूल अल्लाह के मेहनतों मशक्कत को लो,
रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परहेजगारियों को अपनी ज़िंदगी में दाखिल करो। मैं सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? नहीं जा सकते मेरे भाई। एक बाप भी एक वक्त तक अपनी औलाद को बर्दाश्त करता है, जब पानी सर से ऊपर हो जाए तो बाप भी लात मार के घर से निकाल देते, चल निकाल बोल के। माँ भी एक वक्त तक बर्दाश्त करती है, उसके बाद माँ भी अकाल देती। बीवी भी एक वक्त तक बर्दाश्त करती है, उसके बाद वो भी तलाक ले लेती, खुला ले लेती। औलाद भी एक हद तक बर्दाश्त करती है, उसके बाद औलाद भी अपने बाप से दूरी अख्तियार कर लेती। हमारी तो सारी हदें पार हो जा रही है मेरे भाई, सारे हुदूद तोड़ दिए हम लोग, सारी गंदगियों खलाजतों के सारे हुदूद तोड़ दिए हम लोग। सारे हुदूद तोड़ने के बाद फिर हम आरजू कर रहे हैं, फिर हम तमन्ना कर रहे हैं कि मैं जन्नत में जाऊंगा, मैं जन्नत में जाऊंगा, मैं जन्नत में जाऊंगा। ये इंतहाई गंदी हरकत है, इंतहाई नापाक सोच है, इंतहाई बदतरीन दर्जे के ख्यालात है। अल्लाह का वास्ता मेरे भाइयों, मैं आपका भाई हूं, मैं आपके शहर में रहता हूं और मेरे को ये मोहल्ले से मोहब्बत है। मैं ये मोहल्ले को आज से तकरीबन 15 साल पहले रोजाना आता था, डेली ये CCN चैनल पे बैठता था, बैठ के यहां से लोगों को जो है मैं कुछ अच्छी बातें बताने की कोशिश करता था, डेली आता था, डेली रमजान शरीफ में सहरी में आता था, इफ्तार में आता था। मेरे को आपसे मोहब्बत है, मैं आपको अपना भाई समझ के गुजारिश कर रहा हूं। अल्लाह के वास्ते मेरे भाइयों, ये गुनाह का रास्ता छोड़ दो, ये बुराई का रास्ता छोड़ो मेरे भाई, ये जिना, ये चोरी। शैतान तुमको बहकाएगा, शैतान का काम ही जो तुमको बहकाना। अल्लाह ताला कुरान में फरमाया, इन शैतान लिल इंसान अदुव मुबीन। अल्लाह ताला कुरान में फरमाया, बेशक शैतान सबसे बड़ा दुश्मन है इंसान का, सबसे बड़ा दुश्मन है। वो तो चाहेगा तुमको दोजख में लेके जाना, वो चाहेगा तुमको बर्बाद कर देना, तुम्हारी जवानियों को नीस्त तो नाबूद हलाक कर देना, तुमको वक्त से पहले मौत के घाट उतार देना। 32 साल की उम्र में मरने की उम्र है, बोलो भाई। 35 साल मरने की उम्र है, 40 साल मरने की उम्र है। 35 साल में हार्ट अटैक, 40 साल में हार्ट अटैक, 32 साल में हार्ट अटैक, 42 साल में हार्ट अटैक, 45 साल में हार्ट अटैक, 48 साल में हार्ट अटैक। मैं पूछा डॉक्टर साहब से हमारे, बोला भैया आखिर वजह क्या है? फिर देखे तो उन्हें दुबला पतला भी है, 100 बच्चा है, काम गुजारा, कारोबार कर रहा, बीवी है, बच्चे है, कोई जो है उन्हें कोई ऐसा बीमार भी नजर नहीं आ रहा, अचानक मर जा रहा, क्या बात है डॉक्टर साहब? तो डॉक्टर साहब बताए, मौलाना साहब ये गलत शौक, रातों में बिस्तरों में लेटे तन्हाई में गलत शौक, रात रात भर फेसबुक देखना, रात रात भर जो है चबूतरों पे बैठ के हुक्के मारना, गांजे फूकना, ड्रग्स करना, गुटके खाना, सिगरेटा पीना, ये बॉडी को ये सारी चीजें अंदर जाके इतना खोखला इतना खोखला इतना खोखला कर दे रही, उसको अंदर के पार्ट्स जो तबाह हो रहे हैं उसका अंदाजा नहीं है उसको। जवानी की वजह से उसको फील भी नहीं हो रहा, समझ रहे आप मेरी बात को? उन्हें जवान आदमी है, अंदर जो उसकी तबाही मची हुई है उसको अंदाजा भी नहीं हो रहा, उसको अंदर क्या क्या चल रहा है। सो एक पार्ट अगर उसका खराब हो रहा, किडनी खराब हो रही, फेफड़ों की खुवत वो किडनी की खराबी को महसूस होने नहीं दे रहे, पूरी किडनी डैमेज होने के बाद जब उसको खबर चल रहा, अरे बाप रे बाप मेरे को कुछ हो रहा, बोल के जाके डॉक्टर ने बताया, उन्हें देख के बोल रहा नहीं आपके पूरे किडनियां खराब हो गए, आपको डायलिसिस पे डालो। 17 साल की उम्र के बच्चे डायलिसिस पे, 20 साल की उम्र के बच्चे डायलिसिस पे। मैं पकड़ के पूछा क्या करता था मियां? कुछ भी नहीं मौलाना, खाली गुटखा खाता था मैं, कुछ भी नहीं मौलाना, वो हमारे दोस्तों के साथ कभी कभी शौक कर लेता था, मैं शराब पी लेता था, कभी कभी सेंधी मार लेता था, कभी वो रातों में
आप जरा सोचो, खींच रहा, अंदर ले रहा, छोड़ रहा, अंदर कितनी धूम मच रही, अंदाजा है आपका? नहीं, आईना ही नहीं है अंदर का सिस्टम देखने के वास्ते, अंदर क्या क्या हो रहा, कितनी तोड़म ताड़ी पोड़म पोड़ी चल रही, आपको अंदाजा ही नहीं है। किडनी खराब हुई, डायलिसिस पे चले गया, लीवर खराब हुए, पित्ता काट के निकाल दे रहे हैं उसका। मगर अगर हार्ट खराब हो गया, बैठे बैठे मर जा रहा भाई, बैठे बैठे मर जा रहा नौजवान हमारा, बैठे बैठे मर जा रहा, काम करते करते मर जा रहा नौजवान, गाड़ी चलाते चलाते मर जा रहे हैं, बस में बैठे बैठे मर जा रहे हैं, नमाज पढ़ते पढ़ते मर जा रहे हैं। ये वजह सिर्फ हमारे गलत शौकों का नतीजा है। ये उम्र मरने की नहीं है, ये इबादत करने की उम्र है, ये मुस्तफा की गुलामी में मोहब्बत में तड़पने की उम्र है। इसलिए मेरे प्यारे नौजवानों, अल्लाह का वास्ता, नींद अच्छी करो, रोजाना 6 घंटे से 8 घंटे रात में सोना आप, फजर की नमाज को उठना आप, और फजर की नमाज के बाद काम काज पे निकलना आप, फिर आके रात में आराम से सो जाओ आप। आपकी लाइफ को सेट करो, फिर जिंदगी आपकी सेट होती। मैं जो बात बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? ये जो मर रहे हैं कर रहे हैं सो गलत बोल रहा हूँ मैं? नहीं मेरे भाई, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ। आप कोविड आया किसको लेके गया बोलो आप? बोले जिसका इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर है उनको लेके गया। बोले इम्यूनिटी सिस्टम किसका कम होता कमज़ोर होता बोलो आप? चायों पे चाया, चायों पे चाया, चायों पे चाया, चायों पे चाया, अंदर एसिडिटी की अंबार बनी हुई है। इधर जा रहे हैं वो तले हुए मिर्चियाँ उड़चियाँ ये खींच दे रहे हैं। चलो फिर भी जायज़ आइटम है, थोड़ी देर के वास्ते एडजस्ट कर सकते। हराम के आइटम खा जा रहे हैं, हराम का माल खा जा रहे हैं। मत करो मेरे भाई ऐसा। मैं चाहता हूं कि आप लंबी उम्र जीना और सारी उम्र अल्लाह के बंदे मुस्तफा के गुलाम बन के जीना। आपको देखे तो लोग बोलना गौसे पाक का गुलाम है, आपको देखे तो लोग बोलना गरीब नवाज का गुलाम है। बनेंगे ना इंशाल्लाह, पक्का वादा। बहुत ही अच्छा वीडियो था, और आज का वीडियो में मतलब पूरा कोई जोक नहीं था, लेकिन लास्ट में मैं बहुत हंसी क्योंकि ये बहुत चाय पीती है और मैं बहुत बारी से बोलता भी हूँ कि इतना चाय मत पियो, उसमें बहुत कैफीन होता है और वो शरीर के लिए अच्छा नहीं होता है। और मैं अब से बहुत मतलब बहुत कम कर दूंगी चाय, और हो सके तो बाद में पीऊंगी भी नहीं क्योंकि मुझे और एक होता है आदत हो गई है, तो इसीलिए मैं चाय पीती हूँ। मुझे कोई होता भी नहीं है साथ में चाय पीने के लिए क्योंकि ये तो चाय नहीं पीते, लेकिन मुझे एक आदत हो गई है, लेकिन मैं उसे कम जरूर करूँगी क्योंकि मुझे भी अपनी सेहत का ध्यान बहुत अच्छे से रखना है, मुझे भी बहुत दिन तक जिंदा रहना है, तो इसलिए मैं बिल्कुल भी चाय नहीं पीऊँगी, अभी तो बिल्कुल नहीं पीऊँगी। तो वीडियो में इन्होंने बहुत अच्छे से समझाया नौजवानों को, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता है जवानी के चक्कर में उनके अंदर क्या चल रहा है, मतलब जो भी वो पीते हैं, जो भी वो सिगरेट पीते हैं, शराब पीते हैं, ड्रग्स लेते हैं, गांजा पीते हैं, तो उन्हें पता नहीं चलता है जवानी मतलब इतनी उनकी स्ट्रांग होती है इम्यूनिटी पावर, इस वजह से उन्हें नहीं पता चलता है। बाद में जब वो डॉक्टर के पास जाते हैं कुछ मतलब उनको बीमारी हुई तो तब पता चलता है कि डायलिसिस की ज़रूरत है। तो आप सोच सकते हैं कि हम कितने कमज़ोर होते जा रहे हैं ऐसी चीज़ों की वजह से। और मतलब ये बहुत कॉमन चीज़ हो गई है बड़े बड़े शहरों में ये नशा करना, क्योंकि बहुत ऐसे वीडियो हम देखते हैं कि बच्चे नशा कर रहे हैं, कुछ इंजेक्शंस ले रहे हैं, कुछ सूंघते हैं जिससे उन्हें नशा हो जाता है, और ये बिल्कुल कॉमन बात लगती है, उनके पेरेंट्स भी उन्हें कुछ भी नहीं कहते। तो मेरे ख्याल से वो, और कभी कभी एक्टर्स जो होते हैं बड़े बड़े उन्हें वो ज़्यादा फॉलो करते हैं, और उन्होंने सच बातें कही कि एक नाचने वाले हमारे आइडल नहीं हो सकते, मतलब ये अय्याशी करने वाले हमारे आइडल नहीं हो सकते। तो एक मतलब नौजवानों की ऐसी एक वो मानकर चलते हैं कि जो बहुत पॉपुलर स्टार है उसे वो अपना आइडल मानते हैं और उसकी तरह रहना चाहते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि वो पर्सनल लाइफ में क्या मतलब क्या करते हैं क्या नहीं, हमें कुछ भी नहीं पता।
और हमें अपना आइडल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानना चाहिए, क्योंकि उन्होंने लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया है और कभी गलतियां नहीं की। वो तो खैर नबी थे इसलिए उनसे कभी गलतियां हुई भी नहीं, क्योंकि लेकिन हम उनके अगर थोड़े से ज्यादा नहीं, क्योंकि हम उनकी तरह तो नहीं हो सकते क्योंकि बहुत जमीन और आसमान का फर्क है, लेकिन अगर उन्होंने बताई बातों को हम फॉलो करते हैं तो बहुत फायदा होगा हमें, और हमें उन चीज़ें वो चीज़ें पता चलेंगी ज़िंदगी की जो बहुत खूबसूरत है, और ज़िंदगी हम बहुत खूबसूरत खूबसूरत तरीके से बिता सकते हैं क्योंकि ज़िंदगी है ही खूबसूरत। मतलब ज़िंदगी में अगर हम खुदा की इबादत करते हैं तो हमें सब कुछ अच्छा दिखाई देता है, और घर में बीवी होती है, बच्चे होते हैं, आसपास के लोग होते हैं, हमारे पेरेंट्स होते हैं, तो हम अगर उनसे प्यार से रहेंगे तो ज़िंदगी और खूबसूरत लगने लगेगी। और इन वीडियो से हमें कुछ हुआ हो या ना हो पर बहुत अच्छी सीख जरूर मिलती, और हम बहुत सुधर गए हैं पहले से ज्यादा क्योंकि क्योंकि हम बिगड़े तो नहीं थे, लेकिन फिर भी ऐसी बातें पता चली है जैसे कि मतलब इनके जो वीडियोस में देखती हूँ वो निजी जिंदगी के बारे में बहुत ऐसी बातें बताते हैं जो मतलब खुदा से रिलेटेड भी होती है, लेकिन हम अगर जिंदगी में कौन सी चीजें अपनाए जिससे हमें हमारे झगड़े ना हो, और हम मतलब कैसे अच्छे से हंस सकते हैं, और कैसे और एक कॉमन बात है मियाँ बीवी के हर घर में झगड़े होते हैं, लेकिन अगर आप इनके बयान सुनेंगे वो भी कम होते जाएंगे, क्योंकि इन्हें आप पूछे मैं बिल्कुल भी अभी झगड़े नहीं करती, और होता है कभी कभी हम भी ऐसा होता है कि हम भी होश में मतलब जोश खो बैठते हैं, और कभी कभी जोश में होश खो सकते हैं। हाँ ऐसा होता है, मुझे नहीं पता लेकिन है ऐसा, तो फिल्मों में कहा जाता है, लेकिन मैं यही कह रही हूँ यहाँ पर नहीं, लेकिन हम गलत बातें बोलते हैं जो नहीं बोलनी चाहिए, हर एक को अपनी मर्यादा में रहना चाहिए, ये तो बातें मैंने इनसे ही सीखी है, और अगर ऐसी बातें मैं हर रोज सीखती रहूंगी तो मुझे लगता है मैं एकदम परफेक्ट बन जाऊंगी जैसे कि अभी चाय के बारे में भी मैं छोड़ने वाली हूँ, पर मुझे नहीं लगता तुम इतनी जल्दी नहीं अभी अभी छोड़ूंगी मैं किराने में, किराना मतलब क्या किराना होता है जो हर महीने राशन में हम शक्कर और जो चाय पत्ती होती है वो बिल्कुल भी नहीं लाएंगे, जरूर बिल्कुल भी नहीं लाएंगे, तो ये तो हम करेंगे ही। तो आपको इससे क्या सीख मिली है ये भी हमें कमेंट करके जरूर बताइए, और अगर आप चाय पीते हैं तो वो भी कम कर दीजिए क्योंकि मैं भी कम करने वाली हूँ। तो होता है कि पहले हम अपनाते हैं दूसरों को बाद में सिखाते हैं, तो मैं खुद अपनाऊंगी और फिर आपको बताऊंगी। तो चलिए अगले वीडियो मिलेंगे।